हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वापस बात करने वाले सबसे ज़्यादा पॉपुलर NBFCs की, जो कि है बजाज फाइनेंस एंड सेकंड वन है HDFC। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की इन दोनों शेयर से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कंसिस्टेंटली ये स्टॉक अभी हम लोगों को गिरते हुए देखने को मिल रहे, कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा। सो, आप सभी लोगों को पता है ये बहुत ही रिलायबल स्टॉक्स है। H2B2 ये कैटेगरी आप सभी लोगों को पता है। H2B2 मतलब HDFC बैंक, HDFC, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व, ये सबसे पॉपुलर जोड़ी मानी जाती है स्टॉक मार्केट में निवेश करने से रिलेटेड, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी 50 में भी आती है। सो, आप सभी लोग पता है बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट निवेशक भी इन स्टॉक में निवेश करते हैं। मेरे भी पोर्टफोलियो में चारों के चारों स्टॉक्स है एंड अच्छे खासे रिटर्न मुझे अभी भी दे रहे हैं, तो इनमें ही हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। सो, इसी से रिलेटेड बात करनी है। तो आप सभी लोग पता है आज तो हम लोगों को सेंसेक्स गिरते हुए देखने को मिला था, लगभग 4.5% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी एंड इसी गिरावट के कारण हम लोग कह सकते हैं जो निफ्टी 50 के जो शेयर्स है हम लोगों को यहाँ पे टूटते हुए देखने को मिले। अगर हम लोग बात करें निफ्टी 50 के आज के टॉप लूज़र में, तो यस दोस्तों, सबसे पहले आता है तो बजाज फाइनेंस, आप देख सकते हैं लगभग 12% डाउन है एंड HDFC ऑल्सो, आप देख सकते हैं HDFC भी लगभग 11% डाउन है, सेम है। हम लोग कह सकते हैं दोनों स्टॉक में हम लोगों को जो कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जो हम लोग एक साथ नीचे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं एंड हम लोग कह सकते हैं दोनों के दोनों NBFCs है एंड आप सभी लोगों को पता है ये दोनों स्टॉक एज सच इतने नहीं गिरते, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ सामने आई थी। सो, यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे देखनी है एंड बहुत सारे लोगों के वही डाउट्स है, क्या यहाँ से हम लोगों ने एग्जिट हो जाना चाहिए इन दोनों शेयर से, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट आने वाली है। सो, जो भी चीज़ रहेगी मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ एंड यहाँ पे अगर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते बजाज फाइनेंस। सो, बजाज फाइनेंस जैसे हम लोगों ने कहा 12% डाउन है, 300 पॉइंट की गिरावट, इतना ज़बरदस्त गिरावट बजाज फाइनेंस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में नहीं होता है। मतलब 5000 पे चलने वाला शेयर था, ऑलरेडी आधा हो चुका था एंड वहाँ से हम लोगों को इतनी ज़बरदस्त गिरावट, तो हम लोग कह सकते हैं कि न्यूज़ है वो कम्प्लीटली इस कंपनी से रिलेटेड ही है, हम लोग इसको ज़रूर मान सकते हैं। एंड जैसे ये गिरावट है अगर आप देखोगे तो यस, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता मेरे पोर्टफोलियो में। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं आप लोगों को झूठी बातें बताऊंगा। आप देख सकते हैं ये गिरावट है, नीचे जाते वक्त हम लोगों को क्लोजिंग देखने को मिल रहा है, मतलब ये गिरावट के संकेत और भी गहरे हो सकते हैं। सो, सबसे पहली बात अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते जो इसने आज ओपनिंग दिखाई थी, तो ओपन आप यहाँ पे देख सकते हैं 2390 पे होता, हाई इसने लगाया था 2414 पे एंड लो इसने बनाया था 2226 पे। सो, 2226 का लो एंड फिलहाल अगर शेयर प्राइस भी देखे 2240 का, सो ये अपने लो के ही करीब है, हम लोग ऐसा इसको बोल सकते हैं। सो, एक गिरावट और भी हो सकती है, इसके पीछे कोई भी मतलब आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। सो, दोस्तों, बजाज फाइनेंस से रिलेटेड अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है आज के दिन से रिलेटेड, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते 30th of March इस गिरावट में कितना माल यहाँ पे उठाया गया है डिलीवरीज बेसिस के ऊपर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 28,50,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे डिलीवरीज उठाई गई है। परसेंटेज वाइज बात करें तो 37% से ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे इस कंपनी में डिलीवरीज उठाते हुए देखने को मिल रही है एंड शायद से कंपनी जितना नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है उतना ही डिलीवरीज परसेंटेज भी हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो, दोस्तों, सारा डेटा देखने के बाद हम लोग ज़रूर रीज़न के ऊपर आ जाएंगे कि बजाज फाइनेंस में गिरावट क्यों है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है गिरावट के पीछे की वजह पता होनी चाहिए, तो हम लोग उसका इम्पैक्ट नाप सकते कि अंदाज़ा लगा सकते कि कितना हो सकता है। तो दो रीज़न से आप सभी लोगों को पता है, तो सबसे पहले अगर रीज़न की बात करें तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अनसिक्योर्ड यहाँ पे कंज्यूमर फाइनेंस का जो इनका बिजनेस है वो यहाँ पे बहुत ही प्रेशर में आ सकता है। आप सभी लोग पता है फिलहाल जिस तरीके की सिचुएशन हम लोगों को करंट जो पैंडेमिक एनवायरनमेंट में देखने को मिल रहा है कोरोना वायरस से रिलेटेड, सो ये बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है बजाज फाइनेंस एंड उसके जैसे अन्य NBFCs को। आप अगर देखोगे बजाज फाइनेंस तो है ही, उसी के साथ साथ HDFC भी गिरा हुआ है। मतलब मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले वीडियोज़ बना दिया था, वहाँ पर भी अगर आप टाइटल देखोगे बजाज फाइनेंस के नीचे मैंने HDFC भी लिखा था। सो, ऐसा नहीं कि सिर्फ बजाज फाइनेंस, उसके साथ जितने भी HDFCs जैसे NBFCs हम लोगों को देखने को मिलेगी वो यहाँ पे प्रेशर में आने वाली है। सो, अनसिक्योर्ड लोन मतलब आप सभी लोग पता है ऐसा लोन कंपनी ने देखे रखा है जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं ली है। सो, हम लोग कह सकते हैं ये जरूर प्रेशर में आ सकता है। यहाँ पे अगर लोन वापस रिपे नहीं हुआ तो हम लोग कह सकते हैं जो NPS का जो खतरा है वो इस कंपनी के ऊपर और भी बढ़ जरूर सकता है एंड सिचुएशन को देख के हम लोग इस चीज़ को नहीं टाल सकते हैं। सो, ये तो रीज़न आप सभी लोग पता है, उसी के साथ साथ और एक रीज़न है आप सभी लोग पता है EMI से रिलेटेड, वो भी हम लोगों ने देख लिया था। बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड वो भी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी कि कैसे वहाँ पे वो चीज़ें हैं वो डिले होने वाली है, क्योंकि ये भी कंपनी फाइनेंस ही तो प्रोवाइड करती है। तो यही प्रॉब्लम हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, जिसके वजह से हम लोग बजाज फाइनेंस HDFC जैसे कंपनीज नीचे जाते हुए देखने को मिल रही है। एंड अगर हम लोग थर्ड रीज़न की बात करें तो यस, आप सभी लोगों को बताएं जो यहाँ पे बजाज फाइनेंस का शेयर है
आप सभी लोगों को पता है जो रेटिंग देने वाली जो फर्म्स रहती है, आप सभी लोगों को पता है, सो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म, आप सभी लोगों को पता है ये 2 दिन पहले की न्यूज़ है, उन्होंने यहाँ पे डाउनग्रेड कर दिया था, आप कह सकते हो बजाज फाइनेंस को, एंड अंडर परफॉर्मेंस बता दिया था, एंड टारगेट भी 1740 का यहाँ पे बता दिया था। सो इसके आप भी प्रेशर हम लोगों को, न्यूज़ तो एडवर्स है ही, सो ये डाउनग्रेड क्यों किया है, ये जो दो न्यूज़ मैंने आपको बताई इसी वजह से यहाँ पे डाउनग्रेड किया हुआ है, एंड 1740 तक ये स्टॉक यहाँ पे आ सकता है, जो कि हम लोग इसको देख सकते हैं। सो वापस कह रहा हूँ, ये 1740 मेरा टारगेट नहीं है, बेंस्टेन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है, उन्होंने ये टारगेट बता दिया था, 2 दिन पहले की न्यूज़ है, एंड उसका ही प्रेशर हम लोगों को बजाज फाइनेंस के ऊपर भी पड़ते हुए देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों ऐसा नहीं कि बेंस्टेन सीधा जाके डाउनग्रेड कर दे एंड इसको कोई रीज़न ना प्रोवाइड करे, सो हर वक्त ये रीजंस प्रोवाइड करते, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि जो फिलहाल का जो एनवायरनमेंट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने यहाँ पे लगा दिए, आप देख सकते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम एन गवर्नमेंट, मतलब 21 डेज का जो लॉकडाउन है, सो ये बियॉन्ड 21 जा सकता है या नहीं, ये किसी को भी नहीं पता है। आप देख सकते हैं वर्ड यहाँ पे यूज़ किया, अनसर्टेन टू प्रोजेक्ट, मतलब कितना हो सकता है हमें भी नहीं पता है, मतलब मैं वापस बोलने के लिए बोल सकता हूँ, मतलब कि 21 दिन के बाद यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं ये और भी फर्दर कंटिन्यू हो सकता है, बट ये किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि जितने नंबर्स बढ़ेंगे, केसेस बढ़ेंगे, उसके बेस के ऊपर गवर्नमेंट यहाँ पे डिसीजन लेने वाली है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बोला था कि सरकार ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिए कि जो लॉकडाउन है 21 दिन से आगे नहीं जाएगा, सो दोस्तों ऐसा नहीं है, सरकार ने बहुत ही क्लियरली कहा है कि सिचुएशन को देख के वो बात बताएंगे, वो थोड़ी ना ज्योतिष है, किसी को भी नहीं पता है कि आगे 21 दिन के बाद यहाँ पे क्या होने वाला है। सो बी प्रैक्टिकल, आप सभी लोग बताएं, अगर सिचुएशन खराब हो जाती तो उनको फर्दर लॉकडाउन बढ़ाना ही पड़ेगा आपके और मेरी सुरक्षा के लिए, एंड अगर नहीं हो जाती है तो यस, ये 21 दिन का लॉकडाउन धीमे धीमे करके हट जाएगा, एंड उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल शुरू हो जाएगी। सो फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बेंस्टिन ने भी यही कारण दिए कि वो अनसर्टन है कि यहाँ पे वो 21 दिन का जो लॉकडाउन है वो यहीं पे रहने वाला है, या फिर ये रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने लगाई है वो 21 दिन के आगे जाने वाली है। सो ये जितना लंबा जाएगा, आप सभी लोग पता है, सिर्फ बजाज फाइनेंस HDFC से रिलेटेड नहीं, अन्य बाकी कंपनीज भी अगर आप देखोगे जिनका बिजनेस बंद है, जैसे कि इंडिगो हो, स्पाइसजेट हो, IRCTC हो, ये सारी कंपनीज, ऑटो कंपनीज हो, IT कंपनीज हो, ये सारी नॉन इसेंशियल में आती है, जो कि बंद रखी हुई है। अगर ये 21 दिन के बियॉन्ड जाता है लॉकडाउन, तो यस, इन कंपनी के ऊपर वापस ज़ोरदार प्रेशर ज़रूर बनेगा। सो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग बात करें तो बेंस्टीन का, अगर हम लोग देखते हैं कि टारगेट इन्होंने कैसा दिया था बजाज फाइनेंस से रिलेटेड, तो इससे पहले जब कोरोना वायरस नहीं था, 4820 का टारगेट दिया था। सो आप देख सकते हैं सिचुएशन जैसी आती है वैसे वैसे टारगेट चेंज करने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ऐसा किसे चेंज हो गया, तो ऐसा नहीं दोस्तों, किसी को पता ही नहीं था। मैंने जैसे कहा कि 1 महीने पहले हम लोगों को पता भी नहीं था कि कोरोना वायरस रहता क्या है, क्या चीज़ें रहती है, अगर पता भी था तो चाइना में था। अभी आप सोच सकते हो चाइना से वो बाद में एशिया में आया, एशिया से आपके कंट्री में, आपके कंट्री से आपके सिटी में भी। सो इसी के बदौलत हम लोग कह सकते हैं, जो कि बेंस्टीन ने पहले इसका परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्मेंस दिया था 4800 पे, अभी आप देख सकते हो वो टारगेट यहाँ पे उन्होंने घटा के इसको ही अंडर परफॉर्मेंस कर दिया, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ता है। सिचुएशन अगर अच्छी हो जाती है तो वापस इसी बजाज फाइनेंस का टारगेट आप लोगों को 4000 का देखने को ज़रूर मिलेगा। सो दोस्तों बजाज फाइनेंस से रिलेटेड फाइनल कंक्लूजन मैं यही कहना चाहूँगा, वापस आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि बजाज फाइनेंस टॉप की कंपनी, मैं स्टार मार के यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो ये फिलहाल की सिचुएशन हम लोगों को देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी एज सच खराब नहीं है, मतलब कंपनी के वजह से खराब नहीं है, मतलब अंदर कुछ मैनेजमेंट में गड़बड़ हो गई, कोई फ्रॉड हो गया, ऐसी चीज़ें नहीं है। जो यहाँ पे डिसीजन गवर्नमेंट लेगा उसका इम्पैक्ट यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर हो रहा है, जो कि हम लोग यहाँ पे निगलेक्ट नहीं कर सकते। सो इसका तात्पर्य यही है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर है, मैं लिख के बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने होल्ड करना चाहिए। मतलब बजाज फाइनेंस जैसा शेयर अगर आप लॉस में निकाल दोगे, आप लॉन्ग टर्म निवेशक बोलते हो खुद को, तो ये बहुत ही गलत बात रहेगी, क्योंकि बजाज फाइनेंस ये शेयर हमेशा बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट वाला है। सेकेंड, अगर हम लोग बात करें क्या यहाँ पे परचेज करना चाहिए या फिर एवरेज करना चाहिए, तो वापस मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे परचेज या एवरेज करना है तो लंप सम निवेश हमेशा नहीं करना होता है, हम लोगों को ट्रांचेस में करना होता है। 2 इंस्टॉलमेंट बता दीजिए, 3 इंस्टॉलमेंट बता दीजिए, तो जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि अगर हम लोग करेक्शन की बात करें तो लगभग 50-60% ये स्टॉक ऑलरेडी टूट चुका है, ऑलरेडी, यस दोस्तों। तो उसके बाद ये न्यूज़ सामने आई है तो ये ज़रूर नीचे जा सकता है, एंड जैसे ये इतने बड़ी दिग्गज एडवाइजरी ने यहाँ पे बताया कि ये 1740 तक आएगा, तो ये एक लेवल तो आप लोगों ने ज़रूर अपने दिमाग में लॉक करना है। बट अगर आपको बहुत ही नज़दीक वाला लेवल चाहिए तो आप चाहो तो 2000 लेवल पर भी
अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हो, अगर आप चाहते हो तो मैं वापस कह रहा हूँ ये ट्रांचेस में होना चाहिए, तो आप यहाँ पे निवेश कर सकते हो 2000 लेवल के ऊपर भी। एंड जो आपका नेक्स्ट लेवल है, चाहो तो आप 1740 पे भी रख सकते हो, एंड उसके बाद अगर आप चाहते हो तो 1500 का लेवल, ऐसे तीन लेवल यहाँ पे रख सकते हो। इससे नीचे जाने के चांसेस मैं ऐसा नहीं बोल सकता पेपर के लिख के गारंटी है, क्योंकि फिलहाल सिचुएशन जैसी वर्स्ट होगी वैसे स्टॉक नीचे जाएगा, बट अगर सिचुएशन इतनी ही रहेगी तो 1500 उसके नीचे बहुत ही जाना रेयर है। बट जैसे मैंने कहा कि सिचुएशन अगर ख़राब हो जाती है, पूरा मार्केट ही अगर कोलैप्स हो जाता है, तो 1500 क्या, वो तो तीन डिजिट में भी आ सकता है। सो ये सारे लेवल्स है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एक बात ज़रूर बोलूँगा कि मौका मत छोड़ना, वापस कह रहा हूँ ये मौका मत छोड़ना। बहुत रेयरली ऐसी चीज़ें आती है जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बजाज फाइनेंस जैसा शेयर ऐसा कभी नहीं टूटता है, वो हमेशा ओवरबॉट जोन में होता है। सो ऐसा मौका आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग सिर्फ देखते रहते हैं कि आ गया मौका एंड वो मौका चला भी गया। सो इसीलिए ये तीन लेवल्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। मैं वापस कह रहा हूँ, इस लेवल को फॉलो नहीं करोगे तो भी चलेगा, आप अपने लेवल्स भी रख सकते हो। अगर आप चाहते हो डायरेक्टली 1740 पे भी अगर आप बाई करना चाहते हो, जो कि इतनी बड़ी एडवाइजरी नहीं बताया, तो आप वहाँ पे भी अपनी बाइंग पोजिशन ज़रूर रख सकते हो। बट ये एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप लोगों ने इसको बेचना नहीं है लॉस में, ये बहुत ही गलत डिसीजन रहेगा। एंड अगर आपको एवरेज या बाई करना है तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए। एंड वापस कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिएगा। जितने ये नीचे आया है, आपको 2 से 3 हफ्ते में, या फिर आप कह सकते हो चलो 6 महीने में पकड़ लीजिए, या आपके सारे लॉस रिकवर करके वापस ओरिजिनल पोजीशन पे ज़रूर जाएगा, क्योंकि कंपनी ख़राब नहीं है, ये याद रखना, सिचुएशन ख़राब है। एंड ऐसा नहीं कि इनके कुछ जो कॉम्पिटिटर्स है, इनका कॉम्पिटिटर की बात करें तो मतलब दूसरे NBFCs भी अगर हम लोग पकड़ लेते, कॉम्पिटिटर मतलब डायरेक्टली मत ऐसे जाना, तो ये भी NBFC है, HDFC टॉप की कंपनी है, NSE के टॉप 5 में आती है। तो इनके भी अगर हम लोग चार्ट पैटर्न देखते तो आप देख सकते हैं कैसे 11% ये भी गिर रहे हैं। सो हर एक NBFC हम लोगों को नीचे ही जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, इनफैक्ट बैंक के शेयर नीचे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये वाले टेंशन की बात नहीं है, मतलब अगर कॉम्पिटिटर अगर भाग रहा होता है एंड हमारे शेयर अगर नीचे जा रहे, तो हम लोग कह सकते बहुत सारे लोग वहाँ पे शिफ्ट हो सकते। बट दोनों शेयर यहाँ पे रैंक 1 शेयर है, मैं कह सकता हूँ अपने अपने बिजनेस में यहाँ पे पोजीशन नंबर 1 शेयर है। प्लीज़ अगर हम आपके पास ये भी शेयर है HDFC जैसा, क्योंकि H2B2 यूजुअली सभी रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो में होता ही है, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो ऑब्वियसली मैं हमेशा आप लोगों को रिकमेंड ज़रूर करता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं लिख के बताना चाहता हूँ, प्लीज़ इनको होल्ड कीजिएगा, लॉस में मत निकाल लेना, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो या फिर HDFC जैसा शेयर हो। HDFC भी आप देख सकते हो दोस्तों, 1000 पॉइंट यहाँ पे सस्ता हो चुका है। सो आप चाहो तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको डीपली भी खरीद सकते हो, 1200-1300 तक भी अगर ये आ जाता है तो आप इसको ज़रूर यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हो। बट ये ज़रूर कहूँगा कि कंपनी में लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि मार्केट को अगर कमबैक करना है, मार्केट भागेगा कब, जब तक ये H2B2 वाले शेयर नहीं भागते तब तक मार्केट भाग ही नहीं सकता, क्योंकि ये वही शेयर है जो कि इंडेक्स को भगाते हैं। सो ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर याद रखनी है कि दोनों को, दोनों शेयर बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड HDFC की भी बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं गिरावट में, ये देख सकते हो आप दोस्तों, 48,42,000 से ज़्यादा डिलीवरीज उठाई गई है, 55-56% यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं डिलीवरीज उठाई गई है। सो दोनों कंपनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, ये बार बार मैं जिक्र आप लोगों को ज़रूर करके बताना चाहूँगा। एंड जैसे मैंने बात की कि लेटेस्ट Q3 के रिजल्ट भी अगर आप दोनों कंपनी के चेक करोगे, सो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। एंड इसी बदौलत, वो रिजल्ट के बदौलत, Q3 के रिजल्ट जैसे पेश किए, दोनों कंपनी हम लोगों को टॉप पे देखने को मिल रही थी, 52 ही हाई के साथ ऑल टाइम हाई पे थी। बट यस, ये जैसे कि कहा था कि कुछ चीज़ें होती है जो कि कंपनीज के हाथ में नहीं थी, जैसे कि कोरोना वायरस से रिलेटेड जो चीज़ें अभी हो रही है, तो यस, ये कंपनी के जितने भी चार्ट थे हम लोगों को नीचे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो यही कहना चाहूँगा, ये दोनों शेयर मेरे तो पोर्टफोलियो में, मैं तो खुद यहाँ पे होल्ड करने वाला हूँ। इनफैक्ट जैसे मैंने आप लोगों को कहा, नीचे लेवल पे तो मैं ज़बरदस्त यहाँ पे क्वांटिटी उठाने वाला हूँ। सिर्फ बजाज फाइनेंस या फिर HDFC की बात नहीं कर रहा हूँ, HDFC बैंक, उसी के साथ साथ बजाज फिनसर्व जैसे कंपनी में भी, जैसे मैंने कहा H2B2, इसमें कंसिस्टेंटली मैं बाई यहाँ पे करने वाला हूँ। एंड जैसे ही लॉन्ग टर्म यहाँ पे जो दौड़ शुरू हो जाएगी उसको मैं छोड़ दूंगा, सो आने वाले समय में बहुत ही गजब का पैसा यहाँ पे बनने वाला है, इसका एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही पुराने समय से ज़रूर है। सो यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस शेयर करके, कि इन शेयर में लॉस बुक तो बिल्कुल नहीं करना, ये सबसे गलत डिसीजन रहेगा। एंड अगर बाइंग करनी है तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए, बट वापस ये कहना चाहूँगा, ये मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिए, आपकी अलग सोच हो सकती है, आपकी अलग स्टडी भी हो सकती है, एंड वो ज़रूर होनी चाहिए। सो ये वीडियो आपको सपोर्ट ज़रूर करेगा, बट इसको ब्लाइंडली फॉलो मत कर लेना, अपनी भी रिसर्च कर लेना, जो कि सबसे मेन होती है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।